इनसे मिलिए। ये है देवांश, वैसे हैं ये बहुत बड़े वाले और अपने आप को समझते हैं सेलिब्रिटी वाले। पापा ये सच कहाँ जा रहा है? साहब को रियल का सक्सेस का बुखार चढ़ गया है शरीर में। वो जिसपे 350 व्यूज आए थे और 2 कमेंट, एक तो मेरा ही था। हम सब्जी लाने भेजे थे, बगल में लड़की खड़ी थी, उसके सामने नौटंकी करने लगे, बोलिए फिर क्या ही होना था। सब्जी वाली दुकान के सामने हॉस्पिटल था, महूरिया साहब मार खाने के बाद लड़की से ऊपर, वो तो शुक्र मनाओ कि कंपाउंडर जान पहचान का था, फ्री में इलाज हो गया। मेरे पास आता तो मैं तो पैसा भी न देता, उनका पुलिस बुला लेता, बोलता हाँ मेरा बेटा नहीं है, मुझे तो बच्चे पालने की आदत है, गटर में पड़ा था मैं तो उठा के लेके चला, मुझे क्या पता था कि बड़े के सर पर चढ़ेगा। वैसे कितने व्यूज आ जाते होंगे इसके? व्यूज इनके 100-200 दे रहे थे, 1-2500-8000-400, हाँ 1-2 व्यूज आ जाते। डैड हाउ आर यू, व्हाट्स अप ब्रो? पापा से डायरेक्ट डैड? कहाँ जा रहे हैं? हिंदी बोल पापा, गाली नहीं। हाँ हिंदी में बोलो। बाहर जा रहा हूँ मैं, बाहर। क्या करने? बाहर कुछ लोग आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने। जाऊँ? इंटरव्यू? वही जो तुमने 5 पाले हुए पिल्ले, वही इंटरव्यू लेते होंगे तुम्हारा। अब तुमने क्या पाल लिया है? अरे पागल पापा, बेवकूफी मत करो। 350 व्यूज लेकर पकड़ा गया हमारा लड़का। हमारी समाज में बहुत इज्जत है, जब हम सड़क से गुजरते हैं कोई नहीं पहचानता हमें। सब पहचानते हैं मुझे, समझे कि नहीं? समझ सीख लो। वक्त को बदलते समय नहीं लगता। वो 350 व्यूज 3000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वो 3000 300,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वो 300,000। चलो हटो, पढ़ो लिखो नहीं तो रह जाओगे अपने भाई की तरह गवार। हमें घर में 2 गवार नहीं रख सकते। अब ऐसे बात ना करिए मुझसे, तो पता नहीं आगे जाके मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाए, फिर आप बोलेंगे। फिल्म फेयर अवार्ड, इज्जत, चप्पल देना। अब तुम्हें क्या हुआ? मतलब आपने उससे क्या बोला कि अपने भाई की तरह ना बनो, क्या मैं आपको दैत्य दिखता हूँ? कैसे कैसे पागल मैंने पाल लिया अपने घर में।